गरीबी हटाओ। सचमुच में हटाया गया क्या? बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया। अभी अब वो नहीं है जनता। आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है सत्ता। इसलिए आप जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। फैमिली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा। 2013 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेजाइल इकोनॉमी। उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं। गरीबी हटाओ। सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं। अभी आप देख रहे हैं हम क्लियरली पॉवर्टी को कम करने में सफल देख पा रहे हैं, और भी काम बाकी है। सर, ये परिवर्तन कैसे हुआ? देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर गवर्नेंस। वो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया। अभी अब वो नहीं है जनता। आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं, यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गए। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क बन गए। हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज बन गए। ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस बन गए। पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स बन गए। एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स बन गए। बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स खुल गए। किसान और एमएसएमई को इजी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को इजी बैंक लोन मिल गए। सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा करते थे, अभी सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिल गया। आसानी से राशन मिलेगा करते थे, अभी आसानी से राशन मिल गया। इसीलिए सर, इसका समझ आवश्यक है। एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से। इसीलिए आप जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। एंड वी बिलीव इन एम्पावरिंग ऑल एंड अपीसमेंट ऑफ नन। हमारे सफलता वाली स्टोरी आपके सामने रखना चाहते हैं। सर, वी हैव बीन ड्राइविंग, वी हैव रियलाइज्ड दैट द बैंकिंग सेक्टर नीड्स टू बी हेल्दी, एंड देयरफॉर वी टुक अ लॉट ऑफ मेजर्स। And much before the opposition says, oh no, you have not done anything, I want to quote former governor of RBI, Sri Dr. Raghuram Rajan. He said very clearly, evergreening of bad loans disbursed during 2008 and 2014 kept the NPA hidden from the public and regulators. Evergreening karne ke wajah se wo NPA kahin niche dikhai nahi diya, kahin under the carpet reh gaye. मगर हमारी सरकार आने के बाद उसको निकाल निकाल करके उसका सुधारने के लिए 4R अप्रोच लिए, उसके वजह से हम आज हमारी बैंकिंग का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और क्लीन अप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ बैंक्स काम कर रहे हैं। इसीलिए बैंक्स में फैलाया हुआ आपके रायता
हम साफ कर रहे हैं। रायता, रायता। सर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव रिकॉर्ड प्रॉफिट्स ऑफ ओवर 1 लाख करोड़। हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस आर एट ए डिकेडल लोस एंड डिफरेंट। हमारे बैंकों के जो डिविडेंड सरकार को पहुंचता है वो जन कल्याण के लिए उपयोग करते हैं हम। इससे पहले जो बैंक का हालात था उससे वो उभर कर ऊपर आकर के अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आज हेल्थ उनका अच्छा है। SBI हैज बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन Q1 ऑफ FY 23-24। SBI earned 18,537 crores as profits. Sir, वो debt laden nightmare के ecosystem से आज pillar of जन कल्याण बन गए हैं हमारे banks. वो twin balance sheet problem हो गया है और आज twin balance sheet का advantage है हमारे लिए। कंपनियों भी और बैंकों भी आज प्रोफेशनली मैनेज हो रही है। स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा। 2013 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रजाइल इकोनॉमी। उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और हमारे रियल GDP ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.5% इन 23-24। दीज आर प्रोजेक्शंस गिवन बाय नॉट जस्ट वन एजेंसी, सेवरल ग्लोबल एजेंसीज एंड आर ओन RBI's प्रोजेक्शन इज ऑल्सो सेइंग दिस। सो सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि US हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है। सो इंडिया इज इन अ रेयर पोजिशन सर ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ। सर ये सब कैसे हो संभव, पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़े।